हाँ बाबू कहाँ से आई है? माँ मैं हरिद्वार से आई हूँ। माँ मैं आपसे एक साथ ही जुड़ी हूँ माँ। अच्छा माँ मैं दो बार आ गई हूँ, तीसरी हाजिरी है माँ मेरी। माँ मेरे ससुर की ना आवाज़ चली गई थी शादी के टाइम पे, हमारे घर में शादी थी, घर में कुछ तबीयत खराब हो गई थी, उनकी आवाज़ चली गई। अच्छा सच्चे मन से अरदास लगाई तो माँ उनकी 6 महीने के अंदर ही आवाज़ आ गई। अच्छा माँ रानी की अरदास लगाई थी? हाँ जी माँ। बस सच्चे दरबार की माँ, डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा था कि आपकी आवाज़ नहीं आई। सैतु आई थी एक बार ये ना आवाज़, सास ससुर के लिए बोल भी रही थी। हाँ जी माँ की भी ऐसे ऐसे मैं व्हाट्सएप पे बात की थी इस बारे में, मैंने पूछा भी थी आपसे ऑनलाइन ना। हाँ जी तो उसके बाद अब आई है तू? नहीं माँ मैं 2 बार आ गई हूँ, आपने मेरी झोली भी भरी थी बेटे की माँ, दिसंबर में भी आई थी माँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बस माँ मेरे 3-4 काम बन गए माँ, और काम आपने माँ मेरे व्हाट्सएप पे ही माँ वैसे ही बन जाते हैं माँ बस। लेकिन माँ ज्वाइनिंग भी हो गई थी माँ 1 जनवरी को हस्बैंड की। अच्छा लेकिन माँ अभी वहाँ से उनको मना कर दे वापस भी, कढ़ाई नहीं देके गई होगी। 3-4 काम बन गया, कढ़ाई दे ही नहीं बता बस आप। गलती तुम लोगों की होती है बेटा, मम्मी की नहीं होती। माँ ससुर का इतनी बड़ी चमत्कार दिखा दिया, इतने साल में वाज वापिस करवा दी, दूसरा ज्वाइनिंग करवा दी, तीसरी और 2-3 जो तू बता रही है। तो कढ़ाई एक काम में ही बनती है जब बड़े चमत्कार हो, छोटे की छोटी कढ़ाई कर दो बड़े की बड़ी। सरदा आई है तो भाव की भूखी है आई बात समझ में। माँ मैं तो आपकी सेवा के लिए खड़ी हूँ बस माँ, मेरे पति की गवर्नमेंट का काम करा दो माँ। गवर्नमेंट में आपने झोली भी भरी थी माँ। बेटा कढ़ाई लाई है ना, धूम धड़ाके वाली नहीं लग रही है मेरे को, ठीक है ये भाई सिंपल कढ़ाई लेके आई है। धूम धड़ाके वाली दूंगी माँ, आप ऐसे करो देखती हूँ सारे मेरे को मिट्टी गोली लेके चले जाते हैं। हस्बैंड को बुला दीजिए माँ, उनकी झोली भर दीजिए माँ, उनका दिमाग सेंटर में ही रहता है, वो दिमाग से उनका काम। आपने जब कढ़ाई दे दी तू तेरी श्रद्धा से ले आई है, ले माई कबूल कर जो भी लेके आई है तेरी, और इसकी जो बीच में रुकावट आई है उसे करके, और इसकी जॉब लगवा दे इसके हस्बैंड की, ताकि ये तेरी बड़ी कढ़ाई दे चुके हैं। तो बोलिए साचे दरबार की।